सब्जेक्ट करना जरूरी है क्या? हम लोग साथ में बैठ के पढ़ के भी तो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रिया बेटा, जो हम कर रहे हैं ना वो कल के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। मतलब सोच, अगर कल के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन हमें पता चल जाए तो पढ़ने की जरूरत क्या है यार? ये क्या बात हुई यार? अगर शॉर्टकट से हमें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी पूरा साल तो पढ़े नहीं है, एक हफ्ता पढ़ के कौन सा धंधे काट लेंगे? दिस इज द परफेक्ट प्लान। इतनी जोर जोर से क्या बातें कर रहे हो? धीरे धीरे बात करो, आराम से। सॉरी। और रिया, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा, तुझे पता है लैंडशिप तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। यू नो व्हाट, मिड ईयर एग्जाम्स में भी ना मैं प्लान शेट करके ही पास हुई थी। पर रिया तू टेंशन ना ले, ये सब चीजों में ना मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके गाइस, नाउ लेट्स कॉल माय अंकल स्पिरिट। लगता है अंकल की आत्मा आ गई। अंकल आने के लिए थैंक्स। अंकल क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? कल के पेपर में कौन से टॉपिक के रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्या आप हमें प्लीज बता सकते हैं? अनुराग, तुम जल्दी से लिखते जाओ, जो भी ये कह रहे हैं जल्दी से लिखते जाओ। अशोका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकल कल के पेपर में कौन से स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, प्लीज बता दीजिए। और कौन से एम्परर के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे? एम, नोट इट डाउन। ओके, यू जी, एच, ए, एल, मुगल, देखो पहले सवाल था। मुगल, इनसे पूछो कि कौन से चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है। हाँ, कौन से चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे प्लीज बता दीजिए हमें। चाइना से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री के एग्जाम का तो हो गया, अगले एग्जाम का भी अभी पूछ ले। हाँ यार शुकी, ये भी क्वेश्चंस पूछ के सारी टेंशन खत्म कर दिया। लगता है अंकल की आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। मैं नोट करता हूँ। हाँ।
मुझे जाने दो। उनको दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जो कि कहकर का आत्मा को बुला के हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं रिया, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। अंकल, अंकल आई एम सॉरी, हमने आपको तकलीफ दी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मदद के लिए थैंक्स। चौकी, तुम्हें पक्का पता है कि अंकल के आत्मा को बुला के हमने कुछ गलत नहीं किया? हाँ रिया। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें दर्द हो रहा है? क्योंकि उन्हें हमेशा दर्द होता है। मतलब ये कि उस दुनिया से इस दुनिया में जब वो आते हैं ना, तो उन्हें दर्द होता है। हाँ, और यही कारण है कि वो इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते। शोकी, फिर हमने उन्हें यहाँ बुलाया क्यों? अपने फायदे के लिए हमने किसी और को दर्द दिया? रिया, इतना अच्छा अच्छा सोचना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और जब मुझे ये टेक्निक आती है तो आई थॉट व्हाई नॉट, यू नो। और इस टेक्निक से ना मैं पूरी दुनिया की मदद कर सकती हूँ। तो अगर इससे हमारा थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, मैंने सोचा क्यों नहीं, है ना? इसलिए ये नोट्स पकड़ और कल के एग्जाम्स की प्रेपरेशंस कर। 6 मार्क्स आएंगे ना तो नो खड़ूस मौसी एंड नो गांव। अरे सुन ना शोकी, प्लान चीट करके हम आने वाले एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस पता कर सकते हैं क्या? ओके। ये हुई ना बात। यार तेरी गर्लफ्रेंड तो कमाल की है यार, अब उससे शादी कर लियो। पागल, धीरे बात कर, भाभी आ जाएंगी तो। फिर क्या हुआ अनुराग, इतने गौर से क्या देख रहा है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि ये प्लानचेट का प्रोसेस क्या है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या समझे? बहुत अजीब है ना, मतलब किसी दूसरी दुनिया से आत्मा हमारी दुनिया में आती है। उन्हें एक रास्ता बनाना पड़ता है उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए, समझे? लो देखो, शुरू हो गए हमारे प्यार के पंछी। अनुराग तो शोकी को देखकर ना एकदम खो सा ही जाता है। एक्चुअली क्या है ना, दोनों ही एक दूसरे को देखकर ना खो जाते हैं, है ना? Shut up. शोकी, डिनर तैयार है। हाँ भाभी, बस आई रहे। चलो गाइस, लेट्स क्लियर ऑल दिस। हाँ, आ गए? कुछ पढ़ाई किया कि पूरा टाइम सिर्फ मस्ती किया? नहीं भाभी, हम सब तो पढ़ रहे थे। हाँ हाँ बाबा, जानते हम तो मजाक कर रहा था। हम जब कॉलेज में था ना, हम भी ऐसा ही था। हम भी तुम लोगों जैसे ग्रुप स्टडी करता था, और हमारा बाबा तंग आके सर पर हाथ पकड़ कर बैठ जाता था, पूरा दिन मस्ती करता था हम। और बुक्स कोने में पड़े रहते थे। चलो चलो, सब खाना खा लो। हाँ भाभी, आप रहने दीजिए, मैं सबको सर्व। अरे नहीं सोकी, आप क्यों फिकर करती है, मैं हूँ ना। नहीं सोकी, मैं कर लूंगी, मैं सर्व कर दूंगी भाभी। आप बैठिए आराम से। हाँ, क्योंकि तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है यार। एक हमारी भाभी है, 24 घंटे बस मुझे डांटती रहती है। ओहो, तो आज सारा गैंग यहाँ जमा है। नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं तुम लोग, कैसा चल रहा है तुम लोगों का एग्जाम का तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है भैया। गुड गुड। अरे हमको एक बात समझ में नहीं आता कि अनुराग हमारे सामने इतना चुप क्यों रहता है। अरे हमको तो लगा ये बहुत बोलता होगा, बोल के लोगों को पका देता होगा, पर यहाँ एकदम चुप। अरे तुमको हमारा शक्ल तो पसंद है ना? नहीं पसंद है तो बोल दो, कल से मास्क पहन कर आएगा तुम्हारे सामने। नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ा ऐसे ही। दादा
आज आपका ड्यूटी कौन सा ट्रेन में है? राजधानी में। अच्छा हाँ, वैसे ये राजधानी हमेशा अपना दुर्गापुर से निकलता है ना? नहीं नहीं, कई स्टेशनों से गुजरता है। क्यों? बस ऐसे। खाना खाओ। अरे उस आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसा कोई अपना पत्नी को छोड़ता है क्या? लाज शर्म तो है नहीं, बेशर्म कहीं कहीं। क्या हुआ दादी, आप इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में ना हो तो क्या करे, वो शर्मिला के पति बेशर्म किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। और जब शर्मिला को ये बात की पता चला तो उसने उसे माफ भी कर दिया। पता नहीं कैसा औरत है, अगर हम शर्मिला के जगह होते थे ना तो उसे मार मार कर ये डंडे से पूरा बंगाल घुमा देती। मिश्रा जी, वो तो ऐसे आदमी नहीं थे, ऐसे कैसे दूसरी औरत के साथ चक्कर चला लिया? कौन मिश्रा? वही जिसके आप बात कर रहे हो, अपने पड़ोसी शर्मिला के पति। अरे वो काले भैंस मिश्रा जी के बात कौन कर रहे हैं? उस मोटे के साथ तो वो चाहे फिर भी कोई चक्कर नहीं चलाएगी। फिर वो सीरियल मेरा पति तुम्हारा है वो आती है ना, उसमें शर्मिला आती है, उसके बाद मैं कर रही हूँ। उसके पति का वो सीरियल में किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, टॉइन जैसे दिखती है वो। कौन सी बात है? क्या दादी, आप भी असली लोगों का फिगर करिए, आपको सीरियल के लोगों का ज्यादा चिंता है। सब ये है आजकल के लड़के लड़कियां, बड़ों की इज्जत करना तो जानते ही नहीं। दादी आप खाना खा लीजिए, मैं परोसती। अरे अरे तुम मत उठा करो, कितने बार कहा है ना तुमसे, अभी आराम करने का जरूरत है, तुम्हें बच्चे पर असर पड़ता है। दादी बैठिए, दादी बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपको खाना देती हूँ दादी। ठीक है। हमें क्वेश्चंस तो मिल गए ना, आंसर्स तो तैयार कर लो। तुम तो ऐसे टाइम पास कर रहे हो जैसे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। हाँ भाई चलो पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ लेंगे ना यार, नहीं तो चीट बनाएंगे। देख क्वेश्चंस तो हमें पता ही है क्या आने हैं, बस चीट पर आंसर्स ही तो लिखने हैं। और तो टेंशन मत ले, चीट बनाना बहुत ईजी है। अच्छा मतलब अब हम एग्जाम के अंदर चिट बना के लिख जाएंगे। और क्या, देखिए दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि हम प्लान चेट करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी तेरे अंकल ही लिख दे। अच्छा मतलब अब तुझे चांद मिल गया तो तुझे सूरज भी चाहिए। क्या बात करिए यार, सूरज का मैं क्या करूँगा, मुझे तो रोशनी चाहिए, सूरज को तू रख ले। नहीं एक सेकेंड, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना फिर हम उस आत्मा को एक बार दोबारा बुलाएं और उससे पूछे कि हमें एग्जाम्स में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन उससे क्या होगा? अरे यार जब हमें पहले से मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम्स में कितने नंबर आने वाले हैं फिर हम पढ़ाई क्यों करेंगे, ये सब क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की क्या जरूरत। सही कह रहा है यार, चल शोकी अब जल्दी से प्लान चार्ट निकाल के अंकल को बुलाते हैं। रवि इतना लालच ना अच्छा नहीं है, अब हमें क्वेश्चंस मिल गए हैं उसके आंसर तो तैयार कर लो, थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। अनुराग तुम जो कह रहे हो ना वो गलत नहीं है। यू नो आज तक ना मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में पूछा है, मार्क्स के बारे में तो आज तक नहीं पूछा। और जब आज तक नहीं पूछा तो आज पूछ लेते ओके? शोकी तुम ना पागल हो गई हो, थोड़ी सी मेहनत करने में हम सब का कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, क्वेश्चंस मिल गए तो आंसर्स भी नहीं तुम याद कर रहे हो। ये तो तुम डरती क्यों यार? अरे डरने वाली तो बात है रवि, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। रिया क्या हमेशा गड़बड़ गड़बड़, अब चुप करके बैठ जाए यहाँ ठीक है? अरे शोकी देख मैं तुझे दोबारा कह रही हूँ मत कर। ओह नो यार, रिया तो चुप है, और तू अपने प्लान पर निकल तो अंकल को बुला। नहीं यार इस बार अंकल को परेशान नहीं करना, फिर बात थोड़ी मस्ती करते हैं, क्यों ना हम किसी अनजान आत्मा को बताएं जो यहाँ आसपास हो, मजा आएगा। तो यार बहुत मजा आएगा यार। नहीं एक सेकेंड,
हमारे आसपास तो कोई भी आत्मा हो सकती है, मतलब कोई भी आत्मा आ सकती है। ऐसी कोई आत्मा जिसे तुम शायद जानती भी नहीं हो। I know, लेकिन मैं संभाल लूँ। अरे मैं इतनी सारी आत्माओं को बुला चुकी हूँ, आज ये भी ट्राई करके देखते हैं। अब तुम रिया की तरह डरना बंद करो, ओके? And let me focus. Start, start. आसपास कोई आत्मा हो तो आ जाओ। अगर कोई आत्मा है तो आ जाओ, आसपास कोई आत्मा है तो आ जाओ। आसपास कोई आत्मा हो तो आ जाओ। करो, दादा को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। दादा, ये सब क्या है और ये कैंडल्स क्यों है यहाँ पर? दादा वो एक्चुअली ना, एक मिनट, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप स्टडीज के बहाने बैठकर तुम लोग ये सब करते हैं। अब सर झुका के क्यों खड़ा है? क्योंकि तुमको शर्म आना चाहिए। हम तुमको कितनी बार समझाए कि ये सब नहीं करने का, तुमको आइडिया भी नहीं है कि ये सब कितना डेंजरस हो सकता है। समझने का कोशिश करो, तुम आत्माओं को बुलाने का जरिया है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि तुम उनका मरा हुआ आदमी से बात करा सकता है। इसमें कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। और तुम आत्माओं को बुलाते इसका मतलब ये नहीं है कि सारा आत्मा तुम्हारी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकता है। किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। समझ रही हो तुम? समझ रही हो या नहीं? जी दादा। और तुम लोग कल के एग्जाम का तैयारी करना चाहिए तुम लोगों को, पर नहीं, इसके साथ बैठकर ये सब फालतू का चीजें करना है तुम्हें। अनुराग तुम और रवि तुम दोनों हमारे साथ चलो, हम तुमको अपने स्कूटर पे घर छोड़ेगा। पर तुम लोग दोनों यहाँ पे रहा तो तुम में से कोई पढ़ने नहीं वाला। चलो कि हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, दोबारा ये सब नहीं करेगा तुम। अगर हमने देखा तो अच्छा नहीं होगा, समझ रहे तुम? चलो तुम दोनों। ओके, शुभांकर दादा सही कह रहे थे, तुझे और प्लान सेट नहीं करना चाहिए। ओके ओके, लेकिन यू नो व्हाट, एक चीज का ना मुझे बहुत अफसोस रह जाएगा। क्या? अरे यही ना कि मेरा लास्ट प्लान सेट अधूरा रह गया। यू नो मैं कितनी एक्साइटेड थी, पहली बार किसी अनजान आत्मा को बुला रही थी। देखना चाहती थी कि क्या होता है, लेकिन अभी नहीं हो पा।
छुटकी? छुटकी जरा। अरे चल। क्या? छुटकी, मैंने अपने फ्लैटशीट पे कॉइन को हिलते हुए देखा। क्या? कहाँ? वही तो है। हिला था वो कॉइन, मैंने देखा था। या हिला होता तो दिखता ना। जरूर तुझे कोई वहम हुआ। रोकी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने देखा था उस कॉइन को हिलते हुए। कुछ तो गड़बड़ है। ओ गॉड रिया, तेरे जितना डरपोक ना आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं ना। लगता है बारिश होने वाला है, लेकिन बारिश में तो हवा पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, यहाँ तो उल्टी दिशा में हवा बह रही है। ये तो घोर अशुभ संकेत है, लगता है जरूर कोई अनहोनी होने वाला है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना भगवान। सूखी भी सो रही है, मैं नहीं सो सकती। क्वेश्चंस मिले तो उसके आंसर्स तो याद करने ही चाहिए ना। मैं तो याद करूंगी। Thank you.
4 बज गए और अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं हुआ। ये भी सो रही है, ये सब झंझटों में मैं तो पढ़ाई करना ही भूल गई। मुझे तो पढ़ना ही चाहिए, कल सुबह 9 बजे एग्जाम है, मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। मुझे 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ती हूँ। Coronation day dawned. It was indeed the most auspicious day. Coronation day was yeah. क्या नींद में बड़बड़ कर रही है सुजान? चौकी डिस्टर्ब हो रही है, मुझे कॉरिडोर में जाके पढ़ना पड़ेगा। शिवाजी, मुझे ना प्लानचेट जैसे बेकार चीजों में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था। एक तो क्वेश्चंस के लालच में आकर ये सब कर तो लिया, पर अब उसी की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ यार। मैंने सचमुच कोई आवाज सुनी या ये मेरा वहम है? मुझे वापस जाना चाहिए रूम में, पर शोकी डिस्टर्ब हो जाएगी, यहीं पढ़ना पड़ेगा। अशोका स्टार्टेड हिज प्लान। जाने के लिए इतना कुछ किया, दादा की डांट भी खाई और पढ़ाई नहीं की। 6 बज रहे और आधे आंसर याद करना अभी भी बाकी है। और अब ये रिया कहां चली गई? ये रिया तो बड़ी स्मार्ट निकली, खुद जल्दी उठकर पढ़ाई करने चली गई और मुझे उठाया तक नहीं। हाँ अभी बताती हूँ इसको। या रिया, 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 यहाँ पर तो नहीं है, लगता है बाहर बैठकर पढ़ रही होगी। रिया, रिया, रिया कहाँ चली गई ये लड़की? ये तो रिया की बुक है, पर वो कहाँ चली गई? यही कहीं होगी घर में। रिया, रिया कहाँ है तू? शोकी, हाँ ये लो, ये दूध पी लो, गरम है। हाँ और अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? पता नहीं रिया ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई, उसकी बुक्स भी यहाँ कॉरिडोर में छोड़ गई। अरे उसे कुछ काम याद आ गया होगा इसलिए वो चला गया होगा। नहीं भाभी, रिया ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन उसके बारे में मत सोचो, अभी एग्जाम के बारे में सोचो। और रिया कहीं भी चला गया हो, एग्जाम हॉल में तो आ ही जाएगा ना, उसको पूछ लेना कि वो ऐसा क्यों चला गया। फिर भी भाभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी। हमको तो समझ में नहीं आता है इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। तुम परीक्षा देने चली,
तुम तो परीक्षा में पास होने वाली नहीं हो, इससे अच्छा है घर में बैठकर मौसमी का देखभाल करो। तुमको पता है ना वो माँ बनने वाली है तुम्हारी भाभी, बेचारी अकेली सारा दिन घर का काम करते फिरती है, तुम्हें उसे हाथ बटाना चाहिए। परीक्षा देने चली, मतलब मैं पढ़ाई ही ना करूं, एग्जाम्स छोड़ दूं। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूं। ठीक है बस बस ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम ठीक से देना। थैंक्स। सुबह जब मैं उठी तब रिया कमरे में नहीं थी, बस उसकी बुक्स कॉरिडोर में पड़ी हुई थी। पता नहीं कहाँ चली गई यार वो, सुबह से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, रिया तो पढ़ाई को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है और ये एग्जाम्स उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उसे आंसर्स ना याद हो और फेल होने के डर से कहीं भाग गई हो। नहीं रिया ऐसी नहीं, एटलीस्ट मुझे बताए बिना वो ऐसे कहीं नहीं जा सकती, वो ऐसे भाग नहीं सकती है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आंसर्स ना याद होने की वजह से वो नर्वस हो गई हो और इधर उधर कहीं चली गई हो। वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ रवि, कि वो अपनी मर्जी से ये एग्जाम कभी नहीं मिस करेगी। तुझे पता है उसके बाबूजी ने उसे वॉर्न किया है, अगर एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए ना उसकी शादी करा देंगे। तो यही वजह तो नहीं कि वो चलेगी, याद तो उसने सही से किया नहीं था, हो सकता है उसको डर होगी कहीं उसके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसके बावजूद उसकी शादी करा देंगे, इसलिए चलेगी कहीं भी। नहीं यार सिया ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि हमको और तुम्हारे दादा को आज शादी में बाहर जाना है, आते आते देर हो जाएगा, हम खाना टेबल पर रख दिया है, याद से खा लेना। नहीं, अब हमें कल के एग्जाम्स की ना तैयारी करनी चाहिए। नहीं यार मुझे नहीं लगता कि ये रिया मिल जाए ना तब तक मैं कुछ और सोच पाऊंगी। अपना एग्जाम छोड़ दो शोके, यार रिया को जा जाना था वो वहां चली गई, अब उसे बदला तो जा सकता नहीं ना। हाँ लेकिन हम उसे कल भी तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम हमने छोड़ दिया ना तो पूरा साल हमारा मिस हो जाएगा। मुझे तो लगता है एक दिन बुला कर ना हमें कल के एग्जाम के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए, और अगर तुम चाहो तो हम फिर से प्लांचेट की मदद ले सकते हैं, मतलब हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस वही सेम थे जो अंकल की आत्मा ने बताए थे। लाइफ में इससे ज़्यादा मज़ा एग्जाम्स देने में मुझे तो कभी नहीं आया, पता है स्टूडेंट्स की शक्ल ना देखने वाली थी जब हम तीनों ना एक के बाद एक्स्ट्रा शीट्स मांग रहे थे, मुझे तो स्टूडेंट्स की शक्ल देख के हंसी आ रही थी। देखो अगर हम चाहें तो फिर से प्लांचेट की मदद ले सकते कल के एग्जाम्स के लिए। यहाँ कोई प्लांचेट नहीं कर रहा, हम घर जाके अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। क्या यार चल। टेंशन ना ले, करते हैं कुछ, ढूंढते हैं उसको, बस खाली यही प्रे करके उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ। बाय। और अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो के गायब होने की वजह वो अधूरा प्लानशीट तो नहीं? रिया का उससे क्या लेना देना? इस सिक्का अपने आप कैसे हिल रहा था? नहीं लगता है ये मेरा ही वह है।